तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फोन की हैदराबाद और साथ में है 27 अप्रैल का बैच। एक बार हेलो बोल दो भाई सब लोग। आवाज ही नहीं आया यार। हेलो, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। तो आज क्या सेक्शन चल रहा है हमारा? पावर में हम कितने तीन पावर एसी देखे अभी? सेम है सारों में? किसी में कॉइल्स बढ़ रहे हैं, किसी में कम हो रहे हैं। तो कॉइल बढ़ेंगे तो थोड़ा कुछ काम भी और बढ़ जाएगा, उसमें नाम भी थोड़ा चेंज हो जाता। मैं जैसे आपको बताऊंगा, अभी जो बनाए अपन एक बनाए जिसमें 6 कॉइल लग के थे, सारा कॉइल का वैल्यू पता हो गया, नाम पता हो गया, वोल्टेज पता हो गया, कहाँ जाएगा पता हो गया, वोल्टेज कब और कैसे बनेगा पता चल गया। ठीक है, चाहे एपीसी की सप्लाई हो, कोर की सप्लाई हो, ग्राफिक की हो, या फिर मॉडेम की सप्लाई कब बनेगी, कॉलकॉम में कब बनेगी, एमटीके कल पड़ेंगे तो उसका भी पता चल जाएगा, लोअर एलडीओ हायर एलडीओ बन के कहां जाता है पता चल गया, और वो नहीं बना तो फिर कौन सा सेक्शन बंद हो जाता है वो भी पता चल गया। तो क्या मोबाइल ऑन होगा क्या हमारा? नहीं होगा। क्रिस्टल 4G में कौन सा है, एमटीके में, कॉलकॉम में, ज़ेनॉक्स में पता है? 5G में कौन सा आता है पता है? बोलना नहीं है, यस और नो? पता है। 5G में भी बना सकते है? अभी जो खुलाए थे नोट 11 प्रो कौन सा था? 5G था? तो उसमें भी देखे पावर कुछ अलग मिला क्या? नहीं। चलो बक कॉइल्स कितने मिले? 10। 10 कितने? 10 मिले ना अपने को, तो क्या नहीं बना सकते क्या अपन? वैल्यू GR निकाल सकते, वोल्टेज चेक कर सकते कहां जा रहा है वोल्टेज। और कल मैं 10 कॉइल वाला ही बताने वाला हूं आपको। जैसे अभी आप लोग रात में जो होमवर्क कर रहे, मेहनत कर रहे, थोड़ा सा एक एक का बताओ भाई, जल्दी से आओ फटाफट, इनका पेपर पलटा के बताते चले जाओ। इनको भी लो साथ में थोड़ा सा, हाँ ये देखो ड्रॉ करे तो बताओ। जो ड्राइंग करे वो बता दो, ड्राइंग बता दो, देखो भाई। और इधर बुक बताओ, बुक ऐसा इनका, ठीक है। और घुमाओ, हो गया? चलो इधर इधर भाई साहब का, ठीक है। और घुमा दो साहब, और ठीक है। अब ये बताओ, ये पहले कभी बनाते थे आप? नहीं सर, कभी नहीं। ये क्यों बना रहे हैं? रीजन आपने सिखाया, सही तरह से सिखाया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बनाए क्यों, रीजन क्या है? रीजन है सही तरह से याद रखने के लिए। नहीं बनाते तो क्या होता? नहीं याद रहता, याद नहीं रहता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बोलते ये सब डायग्राम वग्राम कुछ नहीं रहता, डायरेक्ट काम करो। डायग्राम के बिना हो ही नहीं सकता। होता क्या? नहीं हो सकता। नहीं होता पक्का? चलो आप बताओ भाई, इनका भी देखो, चलो घुमाते चले जाओ। ड्रॉ बताओ, देखो कितना अच्छा बनाया है। इधर देखो, ये खुद हाथ से बनाए? हाथ से बनाए। चलो और घुमाओ, और बनाना बाकी है। अब तुम भी बता दो क्यों बनाए? ये इजी आसान तरीका, मतलब अपन कोई भी डायग्राम पहचान। टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा बना के? रात में तो 1-2 बज जा रहे होंगे बनाते बनाते। कितने बज जा रहे हैं? 1-2 बजे तक बनाते। तो रात में बगैर सो के, बगैर टाइम पास करके क्यों बना रहे आप ये? समझने के लिए, इजी तरीके। यहाँ पे रात में भी मेहनत करना है यार, तो हाँ सर। खाली बिरयानी खाने तो नहीं आना है? नहीं नहीं, मेहनत करा रहे आपसे? हाँ सर। नींद सुबह में नींद भी आ रहा, थक भी जा रहे हैं। हाँ। सुबह में 8 भी बज जा रहा, रात में इवनिंग में 8:30 भी हो जा रहा। यस सर। सुबह 8 बजे इंस्टीट्यूट खोल दे रहे हैं। हाँ सर। फिर भी आपसे मेहनत करा रहे हैं, क्यों भाई, रीजन बताओ? इजीली समझना चाहिए अपने डायग्राम थ्रू। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 5 बजे छोड़ देते, 11 बजे बंद करते। यस सर। तो उसमें कुछ सीखने मिलता आपको? नहीं सर, नहीं मिलता। अगर मैं आपको बोलूं डायग्राम वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट हैंड स्किल का काम करो, नहीं जमेंगे सर, मतलब वन टाइम जमेगा फिर बाद में भूल जाएंगे। भूल जाते हैं ये सारा, एक एक लाइन याद कर सकते हैं डायरेक्ट काम करेंगे तो? हाँ सर, अभी एक एक लाइन चेक करके ड्रॉ करके कर सकते हैं ना? हाँ सर। कैसा फील हो रहा है अभी डायग्राम बना रहे हैं? अच्छा हो रहा है सर, अच्छा लग रहा है, याद रहता है। चलो ठीक है, इनका बताओ भाई। देखो भाई सब लोग मेहनत करे, और पलटाओ भाई, देखो कितना अच्छा बना। यस राइट, और ठीक है, और एलडीओ है ये जी? ठीक है, और लाइट सेक्शन बनाए, चलो, और हो गया जी। चलो ठीक है, अब क्यों बनाए ये डायग्राम? सर याद रखने के लिए कि लेने कितना पहले से आता था बनाने आपको? सर, ऐसा नहीं सर। देखो भाई कितना प्यारा बनाया इन्हों, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा। तो ये खुद बनाए आप? सर कहाँ सीखे ये? सर यहीं पे है। खाली ड्रॉ करा रहे आपसे कि हैंड स्किल का काम भी करा रहे? हैंड स्किल का भी करवा रहे हैं आप? करा रहे? जी जी। ऑन भी कर लिया सेट फीबो डाल के? हाँ जी हाँ जी सर। ऐसा फील हो रहा अभी? सर अच्छा लेवल अच्छा आ गया है सर। अच्छा लग रहा है अभी? जी जी। अगर ये ड्रॉ कर रहे हैं नहीं बताता मैं आपको सर, हमारे को समझ नहीं आती कुछ। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच। आपका बताओ बंगाल, इसका देखो भाई कितना अच्छा बना है। चलो राइट, ठीक है, क्यों बनाए ये? ये सीखने के लिए। समझ में आ रहा है अभी? आ रहा है। कहाँ से है तुम? बंगाल से। बंगाल से है। खाली हैंड स्किल का काम कराऊं, ड्रॉ ना कराऊं तो? नहीं पता चला, फिर नहीं चलेगा। नहीं चलो, आपका बताओ सब वहीं से, ठहर के बताओ जरा सा। देखो पलटा ये पेज,
ठीक है, वेरी गुड। और एक और सेक्शन भी बनाना रात में, ठीक है। और एक पूरा बुक ही अच्छा है आपका भी, देखो भाई कितना अच्छा बनाया इन्होंने भी। आप बताओ क्यों बनाया ये याद रहने के लिए सर। अगर ये ना सिखाऊं खाली आईसीयां डालना सिखा दूं तो नहीं जमता सर, बाद में भूल जाता आदमी, इसलिए याद करके देख के रिवाइंड हो जाता है। तो डायग्राम रीड करना बन रहा है अभी? हां बन रहा है सर, आराम से एकदम। अभी हम पावर सेक्शन पढ़ रहे, समझ में आ रहा है? हां समझ में आ रहा है सर। डीपली पढ़ रहे हैं या खाली ऊपर ऊपर? डीपली पढ़ रहे हैं सर एकदम। अगर ये नहीं बता के डायरेक्ट बोल दूं आपको पावर खराब है पावर बदल दो, सीपीयू खराब है सीपीयू रिबल कर दो, नहीं जमता सर। बना सकते हैं? नहीं नहीं बना सकते, नहीं बना सकते रहे। अभी डायग्राम भी बना रहे हैं, फोन भी ऑन कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा? एकदम अच्छा फील हो रहा सर। अच्छा फील हो रहा है, जो सोच के आए थे मिल रहा? मिल रहा, बराबर मिल रहा सर। चलो ठीक है, आपका बताओ भाई, चेन्नई से है, क्या नाम? जिग्नेश। जिग्नेश पुराने स्टूडेंट है, दोबारा वापस आए रिविजन के लिए। जिग्नेश का बताओ, देखो बुक बताओ इनका, ठीक है घुमाते जाओ, तुम चेंज नहीं करना हाथ, तुम्हारा सीधा रहना, उनका घुमाना। ऐसा ठीक है, और घुमाइए, ठीक है देखो। और कुछ बनाए? बस सर। चलो क्यों बनाए ये रीजन बताओ सर। पहले आया था ये सब नहीं बनाया था। इसके लिए कितने महीने बाद आए? एक साल हो गया सर। एक साल बाद भी आए इन्हों, सही बोल रहे हैं कि? हाँ नहीं सही बोल रहे हैं। पहले के एक साल बाद वीडियो में देख लो, रहते हैं इन्हों भी, ठीक है। कोई आना चाहे तो आ सकते भाई, पुराने स्टूडेंट जो भी है फुल कोर्स के बैच में आए थे, कोई भी आना है कॉन्टेक्ट करो, आ सकते। इधर आओ भाई आप। मैं सर रितेश, महाराष्ट्र। कितना पहले आए थे? 22 महीना बोले तो कितना साल हो गया? जरा जोर से। दो साल बाद भी स्टूडेंट यहाँ पर आता भाई, बिठाए कुछ पैसे लिए गया तुम्हारे से, फीस लिए? कुछ भी नहीं। आपसे नहीं लिए? नहीं लिए। तुम क्या क्या बनाए जरा बताओ? मैंने सर अच्छा दिखाओ भाई, जरा सही दिखाओ इनका। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग मीडिया टेक में कैसे होता है? किधर बता रहे? ठीक है चलो खा ले। देखो चार्जिंग मीडिया टेक में कैसे होता, ठीक है। एलडीओ में कैसे चार्जिंग आता, कैसा वर्क करता है एलडीओ, ठीक है। उसके बाद बैटरी आईडी क्या काम करती, कैसे काम करती, ठीक है। थर्मल कैसे काम करता, ठीक है। उसके बाद लाइट सेक्शन में कितने पैट की आईसी है, कैसे वर्किंग करती, ठीक है। उसके बाद बॉल आईसी में, और बस ये जो है ग्राफिक बनाना। तुम बनाओ, दोबारा क्यों आना पड़ा आपको? वो सर मेरे कारण आना पड़ा, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था काम, और कुछ घर के प्रॉब्लम्स के कारण छोड़ना पड़ा था, और फिर अभी वापस जब बैठा तो कुछ इतना फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने सर से कांटेक्ट किया, और सर ने पहले बार में बोल दिया सर आ जाओ, कोई भी कुछ नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं जाता, अगर जा रहा है तो सपोर्टिव है, पुराना जो ग्रुप है वो भी सपोर्टिव है, कहीं भी अटकते हैं तो वो भी। अभी दोबारा आने की जरूरत पड़ेगी? नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं, कहीं और जाने की? कहीं पे भी नहीं। पक्का। चलो थैंक यू वेरी मच। देखो इन्हों भी दोबारा आए। राजदीप तुम कब आए थे भाई? सर मैं भी 2 दिन पहले। कितना महीना हो गया पहले आके? 13 महीना। 13 महीने मतलब साल भर के ऊपर हो गया है ना, फिर दोबारा क्यों आना पड़ा रीजन बताओ? तो ब्लैक पेस्टेड में शोर हुआ था निकालने में बिठाने में, तो अभी कल सागर सर ने ट्रिक दिया, ऊपर से कौंडल सर ने काफी हेल्प की, तो अभी हो रहा है सर क्लियरली, इजी हो रहा है जी। तुम जब आए थे बिल्कुल फ्रेशर थे, कुछ काम नहीं आता था नहीं। अभी डायग्राम वगैरह रीड करने आ रहा है? कितना लेवल का काम कर ले रहे आप जब आए थे? बिल्कुल जीरो थे? नहीं सर अभी तो फॉल्ट फाइंडिंग पूरी चल रही है, लेकिन खाली मेरे को ब्लैक पेस्टेड ट्रैकेट ऊपर जा रहे थे, डोल लेकर नहीं जम रहा था। डोल लेकर क्लास तो आज या कल रहेगी, ब्लैक पेस्टेड का तो कर लिया हमने, ठीक है जी। तो कैसा सिखाते हैं यहाँ पर? सर थ्योरी तो बहुत स्ट्रांग है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हैंड स्किल में थोड़ा वीक था, क्यों तो मेरे पास ब्लैक पेस्टेड बहुत कम आ रहे थे, और कुछ ट्रिक्स मैंने शायद ध्यान नहीं दिया की वजह से। तो हैंड स्किल में जो सागर सर काम करके दिखाते हैं वो किस तरह से करते हैं? वो बहुत अच्छी तरीके से। कैसा है उनका हैंड स्किल वगैरह? हैंड स्किल तो वो तो 20 मिनट में खत्म कर देते हैं लेकर भी। उनका तो जवाब। यहाँ के टीचर्स का एक्सपीरियंस कैसा है? काफी अच्छा है सर। जो सोच के आए थे मिलता है यहाँ पर? कोई आना चाहे महाराष्ट्र से तो जरूर आना चाहिए। आप भी दोबारा एक साल बाद आए, आपको कुछ फीस लिए गए यहाँ पर? कुछ भी नहीं लिए, डायरेक्ट आने बोले। और सपोर्ट व्हाट्सएप में मिलते रहता आपको? डेली में मिलता है सर, सॉफ्टवेयर का रहो हार्डवेयर का रहो। एक साल पुराने स्टूडेंट इसलिए पूछ रहा हूँ, सपोर्ट मिलता रहता है यहाँ से? बिल्कुल मिलता है। ठीक है थैंक यू वेरी मच। आपसे भी पूछ रहा हूँ भाई, व्हाट्सएप में सपोर्ट देते हैं कुछ प्रॉब्लम आ रही काम कर रहे तो नहीं देते आप लोगों को? नहीं नहीं सर फुल सपोर्ट मिलता है सर। सब लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डालते ना? हाँ सर। ऐसा नहीं, आप बैठे बोल के तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, क्योंकि ये लोग तो अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, सपोर्ट मिलते रहता है कि नहीं? सपोर्ट मिलते सर। आपको भाई सर मिलता? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। क्योंकि लोग बोल रहे होंगे साल भर 2 साल हो गया सपोर्ट देते कि नहीं की बोल के, तो व्हाट्सएप में तो बैठ के वहां पर डालते ही रहते जो जिधर रहे। और किसका बच गया फेयर नोट्स आपका बता दो भाई? हरियाणा से है, ये लो देखो ऐसा। हाँ ऐसा ठीक है। ड्राइंग जो किए इन्हों बहुत अच्छा किए, देख लो इनका भी। ये बॉल वाली आईसी का है, ठीक है।
बस और उसके बाद में ये लाइट एंड ग्राफिक सेक्शन का डायग्राम है, ठीक है, तुम्हारा सर रहना होगा, लाइट एंड ग्राफिक एलसी का डायग्राम बनाया है। उसके बाद में सुपर एमुलेट की जो लाइट आईसी है उसका डायग्राम है, ठीक है। ये समझ के बनाए, इधर ले लो, खुद समझ के बनाए कि कॉपी कर लिए? नहीं सर, खुद से समझ के बनाए। ये चीज तो चाहिए था ना आपको? जी सर, ये इसलिए हमने ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि हमें याद रह सके कि किस सेक्शन में कौन कौन सी लाइनें जा रही हैं और किस कौन सी लाइन पे कितना कितना वोल्टेज आ रहा है, ये इसलिए बनाए बताए जाते हैं। और हमसे एक डायग्राम को हमें ड्रा करके पैनल पे दे दिया जाता है, और उसके बाद में हम अपने से दो डायग्राम अपने थ्रू बनाते हैं और लाइव ताकि हमें याद रहे। चेकिंग भी कराते हैं आपको प्रैक्टिकल के खाली थ्योरी पढ़ा रहे? नहीं सर, यहाँ पे थ्योरी होने के बाद में 5 से 6 घंटे समथिंग प्रैक्टिकल चलता है हमारा। उस पे हमें जो थ्योरी में पढ़ाया था सुबह ऐसे ही उसके बाद में लंच होने के बाद में प्रैक्टिकल में वो ही रिवाइज होता है, यानी कि प्रैक्टिकल पे किसी बोर्ड के ऊपर। तो अभी खुद से डायग्राम रीड करना आ रहा? यस सर, चेकिंग करने आ रहा? चेकिंग करना आ रहा है सर, सभी लाइनों की जानकारी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा बताओ भाई, बांग्लादेश देखो भाई, इन्हें भी बहुत अच्छा बनाया, उसका भी बना दो बुक इस तरह से। ये खुद बनाए, कॉपी तो नहीं करे? नहीं, समझ के बनाए। डायग्राम रीड करना आ रहा अभी? हाँ, चलो आ जाओ भाई, एक मिनट। एक और लास्ट सवाल आप लोगों से, इसमें से 4G CPU कौन कौन डाल लिए भाई? जी सब, थोड़ा हाथ उठा के बता दो। सारे कर दिए? अब इसमें ब्लैक पेशेंट कितने कर दिए? डन, इतने लोग पक्का? हाँ, तुम तो बोल रहे थे सर हमारे को ब्लैक पेशेंट नहीं आता, अभी कैसा रहा ट्रिक? इजी ट्रिक था, इजी है, सब लोग कर रहे हैं अभी? अभी डबल डेकर भी बताते, देखो वन शॉट में कैसा इजिली हो जाता, समझ रहे? तो जो सोचे थे आप लोग के ऐसा सीपीयू डाल के ऑन करेंगे ब्लैक प्रेशर बनता है कि नहीं, की ऐसा सोच के आए थे क्या? तो यहाँ पे जो बताते वो कराते कि नहीं कराते? पक्का? कोई फेक वीडियो तो नहीं है? पहले से प्लानिंग कर दिए, पैसा दे दिए, ऐसा बोल दो हमारे लिए? नहीं है ना भाई। देखो आपसे पूछते इसके लिए कि 10 जने हमारे क्वेश्चन करते कि जो बोल रही है सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है, भाई वोट देते कि नहीं देते? वोट दिए सबको? दिया ना भाई, एक खराब करे दो खराब करे तो तीसरा भी देते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि खराब कर दिए तो हटो एक ही देते खत्म, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, सबको मिला ना वोट दिए, ऑन भी निकलते किसी में नहीं भी निकलते, लेकिन अपन जो देते वर्क करने प्रैक्टिस करने के लिए। फिर फॉल्टी मोबाइल भी आप जब काम शुरू करते तो फॉल्टी मोबाइल में आपको सोल्यूशन भी मिल जाता, जैसा जैसा चेकिंग कर रहे हैं जो सीख रहे हैं वैसा वहाँ पे प्रैक्टिकल में क्या करना है उसको लंच के बाद बता देना। अभी अभी पावर सेक्शन पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक कैसे करना है, अब लंच के बाद देखेंगे अपन कि चार्जर लगा के कहां कहां पे वोल्टेज चेक करना है। वापस दोबारा थ्योरी में तो पूरा देख लिए, ड्रॉ कर लिए, लिख लिए, अब उसको किधर लाना है? प्रैक्टिकल में। जब सर बता देंगे 1 से 2 मोबाइल में 3 मोबाइल में तो फिर अपन खुद कर सकते हैं, इजी लगता ना भाई? तो अपने को भी वही काम करना है, कुछ नया काम नहीं करना है। मोबाइल बनाने के लिए कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, ये दोनों चीज करनी है अपने को। ऐसे यहाँ सही रहेंगे तो आउटपुट वो खुद निकालेगी, अपने को तो इनपुट सप्लाई देना है उसको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही से, कैसा लगा आपको आज का सेक्शन? थोड़ा हार्ड भी था, एक से जो दो बार देखेंगे तो आसान लग जाता। तो कल हम मीडिया टेक पावर सीक्वेंस देखेंगे, मीडिया टेक में कैसा काम करता, क्योंकि ये सारी चीज आपको क्लास में बैठने पे ही समझ में आती, और जब लाइव चेक करेंगे और ज्यादा समझ में आता, जब एक ऑन मोबाइल लेकर खुद चेक करेंगे तो। तो ये 3 चीज करना है, थ्योरी पढ़ लिए, प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके बाद खुद एक बार चेक करो, फिर मैं कल पूछता हूँ आपको क्या आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो सिर्फ अपन देखे, जब फिर एक प्रैक्टिकल देखेंगे, जब खुद एक मोबाइल लेके देखेंगे तो आसान लगता ना, तो कल देखते हैं कितना डिफरेंस आता आप में। तो आए जब से आप में कितना डिफरेंस आ गया? बहुत ज्यादा। डायग्राम इजी लग रहा ना अभी? और आईसी निकालने निकालने डर तो नहीं लग रहा? ऑन मोबाइल में सेट डेड हो जाता, ऐसा डर तो नहीं लग रहा? पहले सोचते थे सीपीयू निकाले तो काम बंद हो जाता कि भाई, लेकिन जब खुद 1 से 4 बार ऑन कर लेते तो कैसा कॉन्फिडेंट आ जाता, अच्छा आता ना। चलो एक बार सब लोग 4G ऑन कर लिए, ब्लैक पेस्ट तक आए, इतना मेहनत करे उसके लिए जोरदार एक बार क्लैप्स कर दो भाई। थैंक यू वेरी मच। लंच जाकर आ जाओ, आने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू वेरी मच।